सोशल मीडिया पे खबर जो है काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो कुशेश्वर स्थान, उस वीडियो में आप देखेंगे कि एक पीडीएस डीलर के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पे पीडीएस डीलर जो अनाज कम देते हैं, गेहूं नहीं देते हैं, क्या सच्चाई है? ये पीडीएस डीलर हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इनसे आके सच्चाई जानने का प्रयास करते हैं। सर अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, उसमें बताया जा रहा है कि आप अनाज कम देते हैं, क्या सच्चाई है? सर हम कम नहीं देते हैं, 1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल देते हैं। उसमें बताया जा रहा है कि मतलब गेहूं आप नहीं देते हैं? नहीं देते हैं, देते हैं, देते हैं। कुछ आदमी गुंडा तत्व हाँ हमसे ब्लैक में गेहूं मांगता है जी, जो हमको गेहूं या अगर मने चावल का बदला भी हमको गेहूं में चाहिए तो हम कहां से पूर्ति करेंगे? हम पहले पब्लिक को बांटेंगे, सब चीज संपन्न करेंगे कि ब्लैक से बेच करके हम पब्लिक को क्या देंगे या सरकार को हम क्या बुझावेंगे? पहला वाला तो प्रावधान रहा ही नहीं कि आप एक्स्ट्रा अनाज ले सकते हैं, जितना अंगूठा लगाते हैं उतना यूनिट के हिसाब से आपको अनाज मिलता है, अनाज मिलता है, तो हम कहां से उसको पूर्ति करेंगे? पिछले साल भी आपको पर इस तरीका से कुछ लोग कीचड़ उछालने का प्रयास किए थे और इस बार भी इसी तरह आपको ऊपर बार बार क्यों टारगेट किया जा रहा है? बार बार टारगेट करने का कारण यही है जो उस सबके मन के मुताबिक हम नहीं चलते हैं। हम अपने कानूनियन जो विधिवत 45 साल का अनुभव है डिलीवरी का, इतना दिन में आज तक न हम सस्पेंड हुए, न किसी तरह का शिकायत हुआ हमको। हम अपने विचार से सरकार का जो नियम है उसके मुताबिक हम अपना कार्य करते रहे हैं। अब इतना पुराना है, लगभग 45 साल हो चुका है। हाँ 45 हो चुका, और उस दिन से हम इसी जगह वही जनता से वही वार्ड में, पहले तो 4 चलाते थे, अब 2 वार्ड चलाते हैं, 10 और 9, 9-10 वार्ड को चलाते, 9-10 वार्ड को हम चलाते हैं। और उसमें अभी मैंने जो जिसके घर में मिलता है सरकार की तरफ से 20 केजी, तो उसके बदला में वह कहता है जो मुझे 50 केजी गेहूं ही दीजिए और अन्य पब्लिक को मने जाए भार में, लेकिन यह बात हम में नहीं है, यह हमसे नहीं संभव होता है जो इसका हम पूर्ति करें और हम अपने फंस के जेल चले जाएं, ऐसा काम करने के लिए हम नहीं तैयार रहते हैं, इसलिए यह सब जानबूझ करके हंगामा करता है। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हमारे समाज में असामाजिक तत्व के लोग हैं जो बार बार हमें लगभग परेशानी करने का प्रयास करते हैं। उनका कहना है कि हमें इतना अनाज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो नहीं दे पाते हैं, तो जिसके उपरांत इनके ऊपर है जो इस तरीका से कीचड़ उछालने के प्रयास करते हैं। सही, तो संजीव पासवान है सो दिगर के, जो 2 बोरा गेहूं हमको चाहिए उसको होता है 24 केजी मात्र, उसका माँ के नाम से, माँ उसका उठाती है, उसका कुछ नहीं है। अच्छा, जितना यूनिट सरकार के द्वारा आपको अनाज दिया जाता है उतना देते हैं पब्लिक को? हाँ, 1 केजी गेहूं और 4 केजी चावल हम उसको देते हैं। लेकिन आपसे मतलब जबरदस्ती करने का प्रयास कुछ लोग करते हैं, हमको इतना चाहिए। हाँ, जबरदस्ती प्रयास, 2 पैसा के लालच दे के हमको चाहता है जो बोरा के बोरा हम उठा के लेके चले जाएं, ये बांटे या चाहे न बांटे उससे हमको कोई लेना नहीं। 90% उसमें से मुंह चुप करके बैठे हुए, मतलब मुंह चुप किए हुए है, यही जो 2-3-4 आदमी है वही सब यह चक्र भी उरच के और डरा धमका के जे कैसे ई बम बोलेगा जो हम लाभान्वित होके निकल जाएंगे। उसमें बताया जा रहा है क्या कुछ लोगों के द्वारा कि आपके जेब में वीडियो सीओ है, जो करना है कर लीजिए, इस तरीके का वार्तालाप? यह सब झूठा बयान बोलता है। क्या आप इस तरीके का अपने मुख से तो नहीं बोले? कुछ नहीं बोले हैं, ये सब बनावटी बात, सब बनावटी, अपना मन से बोलने के लिए तो कोई किसी का मुंह तो नहीं। अपना नाम बताएंगे सर? मेरा नाम देवराय जी, महिषर पंचायत के वार्ड नंबर 9 और 10 का मैं डीलर हूँ। भैया जैसा कि आप देख सकते हैं, जो पिछले दिन वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उस वीडियो को सच्चाई जानने के लिए पीडीएस डीलर के स्थान यानी कि कुशेश्वर स्थान पहुंचे हैं और इनसे जो सच्चाई था
वो सारा सच्चाई अपने मुख से बोल दें, क्या कुछ सच्चाई है, क्या इसमें आप लोगों को सच्चाई लगता है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द नए वीडियो में अपडेट के साथ।